Me!
कंपटीशन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो है
बेहतरीन जो दृश्य है उसका मंचन जो है वो इस समय किया गया है। और ये जो दृश्य है ये कॉन्वेंट स्कूल का ये दृश्य था। और चीफ अतिथि के रूप में एडीसी रियासी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एडीसी रियासी अब्दुल सत्तार जी मुख्य तौर पर यहाँ पर पहुंचे अतिथि के तौर पर, और खासी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं। यही देवगति अंगारी रावण का अंत करने के लिए माता सीता के रूप में प्रकट होती हैं। तो आज पिछले 2 दिनों से हमने ये मंच एडीसी रियासी अब्दुल सत्तार जी फिलहाल यहाँ से आ चुके हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। आज जो स्कूल कंपटीशन हो रहा है रामलीला का, उसके 3rd दिन वो यहाँ पहुँचे थे और उन्हीं के द्वारा जोत प्रज्वलित कर उन्होंने रामलीला को शुरू करवाया। इसके साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो स्थानीय यहाँ के निवासी भी हैं और वो यहाँ पे फिलहाल बैठे हुए हैं। तो एक छोटी बच्ची द्वारा आप प्रस्तुति पेश की जाएगी। लाइट पर हैं सुरेंद्र जी, जो कि हर रात की तरह आज भी यहाँ पर डटे हुए हैं और लाइट का पूरा काम जो है ये देखते हैं। और ये वो प्राइस है जो विजेताओं को दिए जाएंगे। उस तरफ म्यूजिशियन जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो कि लगातार नवरात्रों के दिनों में और उसके बाद स्पेशल लाइन्स में अपनी प्रस्तुति अपनी जो सेवा है वो यहाँ पर देते हैं। अपनी जो कला है उसका सूरज इंटरनेशनल स्कूल जो है वो यहाँ पर तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जल्दी आ जाएं। स्टैंड वाला माइक दीजिए, स्टैंड वाला माइक दीजिए।
आपको Bye.
जो थे सूरत इंटरनेशनल स्कूल के नन्हे नन्हे बच्चे, इन बच्चों के जो माता पिता हैं उनमें से कई क्लब के स्थापित कलाकार हैं, और उनकी ये सराहनीय कोशिश है कि मंच पर बच्चों को भी लाया जाए, तो इस कोशिश के लिए इन सबसे माता पिताओं के लिए जोरदार ताली। सूरत इंटरनेशनल स्कूल जिनके विद्यार्थियों ने अभी आपके सामने एक भजन प्रस्तुत किया, सूरत इंटरनेशनल स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी ने 501 रुपया बच्चों के प्लेटफॉर्म के लिए दुर्गा नाटक मंडी का प्लेटफॉर्म मिला, इसके लिए दुर्गा नाटक मंडी को 501 रुपया बतौर इनाम दिया है। मैं सूरत इंटरनेशनल स्कूल, उनकी मैनेजमेंट, उन सबका दुर्गा नाटक मंडी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ऐसी एक छोटी कलाकार प्रणवी ठाकुर, ये कॉपीराइट वाला म्यूजिक है, तो इसलिए ये लाइव वीडियो हमें यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, धन्यवाद, क्योंकि कॉपीराइट वाला म्यूजिक चलाने से लाइव वीडियो में बहुत बार ऐसा हुआ है कि पूरा लाइव वीडियो ब्लॉक हो जाता है, तो इसीलिए इसको बंद कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।